ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए योगी सरकार ने कसी कमर। देश के 7 शहरों में रोड शो निकालेगी योगी सरकार। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में होंगे रोड शो, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी रोड शो होंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों को नहीं मिलेगी गाड़ी की सुविधा। पदाधिकारी एमएलए, एमएलसी, एमपी को कार्यक्रमों में जाने के लिए अपनी निजी गाड़ी का करना होगा इस्तेमाल। मेरठ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, भारत की सभ्यता में है राम, हिंदू धर्म एक व्यापक धर्म, भगवान राम सबके, भाजपा बहस करके विवादित न करे। जलौन दौरे पर अखिलेश यादव, उरई में दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी की को दी श्रद्धांजलि, पार्टी कार्यकर्ताओं से की बैठक। माफिया विजय मिश्रा के करीबियों पर शिकंजा, गैंगस्टर भतीजे मनीष मिश्रा के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई, अपराध से अर्जित 8,30,00,000 की संपत्ति होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के लिए लगाया गया पोस्टर, राजभर का सपा कार्यालय पर आने के प्रतिबंध को लेकर लगा पोस्टर। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेन प्रसाद, सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। एनडीए क्वालिफाई कर प्रदेश की पहली मुस्लिम पायलट महिला बनी सानिया मिर्जा, सीएम आवास पर सानिया मिर्जा ने सीएम से की मुलाकात। गाजियाबाद में आरएसएस के पथ संचलन के दौरान हुए विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी, लोने विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। स्वामी कैलाशानंद गिरी की हत्या की साजिश रचने का मामला, आरोपी योगेंद्र शर्मा के 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की रिमांड मंजूर, आरोपी से पुलिस कैलाशानंद की हत्या की साजिश के मामले में करेगी पूछताछ। लखनऊ के जीएमयू में आहार नली के कैंसर की अब होगी सटीक जांच, संस्थान में 30,00,000 की लागत से शुरू होगी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, इस प्रणाली से सर्जरी करना आसान और सुरक्षित होगा। लखनऊ रैनबसेरों में मिलेगी इलाज की सुविधा, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सीएमओ को दिए निर्देश, रात के समय डॉक्टर्स को रैनबसेरों में विजिट करने के निर्देश दिए गए। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में 480 करोड़ रुपए से बनेगा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर, बच्चों के दिल के इलाज के लिए अमेरिका की एक संस्था के साथ हुआ करार, 200 बेड्स पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर में बनाया जाएगा, 5,000 बच्चों की सर्जरी और 10,000 बच्चों का हो सकेगा इलाज। आज देशभर के अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल, यूपी के सभी अस्पतालों में कोरोना पर हुई तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा, कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच की गई। बलरामपुर अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम की देखरेख में मॉक ड्रिल हुई, कोविड उपकरणों की जांच भी की गई। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में हुई मॉक ड्रिल, अस्पताल में भर्ती कराया गया कोरोना का डमी मरीज, मरीज को भर्ती कराने में लगे समय की जांच की गई, वेंटिलेटर और कोविड वार्ड की भी जांच की गई। बरेली के 300 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल में हुआ मॉक ड्रिल, कोरोना की तैयारियों को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वेंटिलेटर को चलाकर देखा गया। फिरोजाबाद जिले के सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, सीएमओ और नोडल अधिकारी ने व्यवस्थाओं की भी ली जानकारी। मऊ में कोविड को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट पर, नोडल अधिकारी और सीएमओ द्वारा किया गया कोविड सेंटर्स का निरीक्षण। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संदीप चौधरी ने परखी अस्पताल की सुविधाएं, पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में हुई मॉक ड्रिल, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा के लिए हुई रेडीनेस चेक। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तैयारियों में पिछड़ा, कोरोना वैक्सीनेशन खत्म होने से लोगों को हो रही परेशानी, मॉक ड्रिल के दौरान खुली पोल। बाराबंकी में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का मिला पहला रोगी, अस्पताल पहुंचते ही मचा हड़कंप, कोविड आईसीयू वार्ड में कराया गया भर्ती।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर देखा गया तेंदुआ। अजनारा ली गार्डन में जारी किया गया मैसेज, लोगों को घरों में रहने की दी गई सलाह। लखनऊ में पीएम मोदी से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, इमाम हुसैन का नाम सिलेबस में जोड़ा जाए, इमाम हुसैन इंसानियत के देवता है। कौशाम्बी में सेल्फी लेते समय हाई वोल्टेज करंट की जद में आकर युवक जला, गंभीर हालत में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में नौकरानी पर मालकिन का अत्याचार, घर में काम करने वाली लड़की पर अत्याचार, लिफ्ट के अंदर से खींचकर घर में काम कराने के लिए ले गई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिजनौर में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में अफसर वन कर्मचारियों से भिड़े, डीएफओ ने न्यायिक अफसर की जिला जज से की लिखित शिकायत, सफारी गाड़ी नहीं मिलने से वे थे नाराज। अंबेडकर नगर एआरटीओ ऑफिस में दबंगई का वीडियो वायरल, अवैध तरीके से वाहन का कागज ट्रांसफर कराने को लेकर हुआ विवाद। फरुखाबाद में 7 महीने की शादी में ही पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी के भाभी से थे अवैध संबंध, भाभी के साथ अय्याशी का विरोध कर रही थी पत्नी। बागपत में डिप्टी सीएमओ और पूर्व सीएमओ को वारंट जारी, नसबंदी होने के बाद भी महिला हो गई थी गर्भवती। फतेहपुर में मुंडन संस्कार में बिना परमिशन कराया गया बार बालाओं का डांस, बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर बिजली पोल पर चढ़कर वीडियो बनाने के दौरान झुलसा एक युवक, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ घायल। बाराबंकी में शातिर चोर गिरोह का खुलासा, सरगना समेत 8 शातिर अपराधियों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से किया गया गिरफ्तार। रायबरेली के जिला जेल में सिपाही की पिटाई करने वाले जेल वार्डर्स पर बड़ा एक्शन, डीजी जेल आनंद कुमार ने 5 जेल वार्डर्स को किया सस्पेंड, कहा मामला है गंभीर, बर्खास्तगी की भी हो सकती है कार्रवाई। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड में 2 और पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार, सिपाही प्रशांत पांडे और विनोद कुमार को भेजा गया जेल, अब तक 8 पुलिस कर्मचारियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बागपत में कब्जा मुक्त कराई गई कब्रिस्तान की जमीन, 4 मकान और कई प्लॉट्स पर चला बुलडोजर, एडीएम की निगरानी में ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार करेगी आयोग का गठन, कहा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो जाएंगे लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। निकाय चुनाव पर कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुआ विपक्ष, अखिलेश मायावती ने सरकार से पूछा सवाल, बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। इटावा में पार्सल से भरे ट्रक में लगी आग, बिजली की तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, भोपाल से दिल्ली जा रहा था पार्सल से भरा ट्रक। कन्नौज में कोहरे की वजह से हुआ बड़ा हादसा, बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में कार सवार 3 की मौत, बेकाबू कार ने 2 और वाहनों को मारी टक्कर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे तालग्राम कट पर हुआ हादसा। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, रास्ते से जा रहे राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा हादसा देख मौके पर रुके, पुलिस वाहन की सहायता से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया जहां उसे आगे रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में प्रेमी जोड़े का मिला शव, गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। प्रयागराज में माघ मेले में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद होंगे इंतजाम, मेला क्षेत्र में 6000 पुलिस फोर्स की होगी तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के कैमरे से मेला क्षेत्र की जाएगी निगरानी। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों की गोली लगने से घायल हुए बदमाश और 1 क्विंटल विद्युत तार, तमंचा कारतूस बरामद। जलौन में बुजुर्गों के साथ शर्मनाक व्यवहार की करतूत आई सामने, वृद्धाश्रम में तैनात कर्मचारियों द्वारा बुजुर्गों को समय पर नहीं दिया जाता भोजन और चाय, बुजुर्गों के साथ किया जा रहा है भेदभाव। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में बड़ी चोरी, अस्पताल में 25 लाख का सामान चोरी, पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। मथुरा में सड़क पर खड़ी 4 कारों में लगी आग, कुछ समय में आग ने विकराल रूप लिया, आग लगने की वजह का नहीं चला पता। बिजनौर में शराब माफियाओं पर पुलिस ने की कार्रवाई, घने जंगलों के बीच से सड़कों पर कच्ची सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद, लहन जब्त, शराब माफिया पुलिस की कार्रवाई देख हुए फरार, ड्रोन के जरिए शराब माफियाओं पर रखी जा रही है नजर।
सोनभद्र में मजदूर की मौत के बाद साथियों ने किया हंगामा, खड़िया परियोजना सीएसपी में काम कर रहे मजदूर की हुई मौत। ताज नगरी में रैन बसेरा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति, ठंड होते ही केयर टेकर निकल जाते हैं घर, रैन बसेरों के नाम पर शादी का शामियाना लगाया, बंदर और गाय ले रहे सहारा। बरेली में 21 साल की अमरीना ने अपना मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म में प्रवेश कर हिंदू रीति रिवाज से ब्याह रचाया, अमरीना अब राधिका हो गई। एएमयू में कश्मीरी छात्र के साथ हुई मारपीट का मामला, तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। बुलंदशहर में खेत में गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका, मृतक की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। नए प्रयोग ने बदली बाराबंकी के दूसरे किसानों की किस्मत, पारंपरिक खेती छोड़ सत्येंद्र उगा रहे लाखों की स्ट्रॉबेरी। फरुखाबाद में जेल में बंद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के होटल की हुई पैमाइश, करोड़ों का होटल बंद, तालाब की जमीन पर बना है होटल। औरैया में महिला की खरीद फरोख्त का मामला, 4 साल पहले मध्य प्रदेश से एक नाबालिग का अपहरण कर उसे औरैया जिले में एक शख्स को 40,000 रुपए में बेचा गया था। संभल में निजी बीमा कंपनी की ठगी का शिकार हुए लोगों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर निजी बीमा कंपनियों द्वारा ठगी की गई धनराशि के भुगतान की मांग। बाराबंकी में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, चोरी की गई बाइक बरामद। कौशाम्बी में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, 1 की मौत, 3 घायल। झांसी में राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ हुआ भेदभाव, प्राइज मनी में आधा हिस्सा न देने पर शोषण, आत्महत्या का प्रयास कर रही थी खिलाड़ी दीपशिखा कुशवाहा ने चयनकर्ताओं पर पक्षपात करने का लगा आरोप। बुलंदशहर में सर्द मौसम में रैनबसेरों का सच जानने के लिए डीएम निकले और एसएसपी सियाना ने रैनबसेरों में जाकर किया निरीक्षण, रैनबसेरा पहली मंजिल पर होने के चलते दिव्यांगों की अलग से व्यवस्था करने के दिए गए निर्देश। बदायूं में होटल के कमरे में मिली युवती की लाश, युवक की लाश मृतक के हाथ में पिस्टल मिला और आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। उत्तराखंड में बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर यूपीसीएल ने फिर भेजा विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव, नए प्रस्ताव में दरों को और अधिक बढ़ाया गया है। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड ने बिगाड़ी लोगों की सेहत, ठंड के चलते अलाव का ले रहे लोग सहारा, शाम होते ही अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं लोग। मसूरी विंटर कार्निवल में साइकिल रैली का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चलाई साइकिल, सीएम धामी ने विंटर कार्निवल का किया था शुभारंभ, प्रदेश में हर साल आयोजित किया जाता है विंटर कार्निवल। ऋषिकेश में एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर का किया खुलासा, एसटीएफ ने सीएससी के संचालक लक्ष्मण सिंह सैनी, बाबू सैनी और भारत सोलंकी को किया गिरफ्तार। यूकेएस एसएससी के और अंकिता मामले पर हरदा के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा काम कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। देहरादून विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, विधानसभा के बाहर 9वें दिन धरना, सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। 21 जनवरी को पूर्व विधायकों का देहरादून में सम्मेलन, विधायकों की उपेक्षा समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन, पूर्व विधायक संगठन में प्रदेश के करीब 120 पूर्व विधायक शामिल। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से पुलिस और संतों ने मास्क लगाने की अपील की। पौड़ी गढ़वाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देवप्रयाग विधानसभा, तल्या मंडल मैखंडी मोटर मार्ग कई जगह गड्ढे हुए जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की बड़ी संभावना, विधायक ने की कार्रवाई की बात। बागेश्वर जिला अस्पताल में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल, ऑक्सीजन और कोरोना टेस्ट की व्यवस्था पर दिया गया जोर। जलवायु परिवर्तन से खेती पर पड़ रहा प्रभाव, अध्ययन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू, गढ़वाल विश्वविद्यालय और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बीएमजेडी का सहयोग, ये प्रोजेक्ट 3 सालों तक चलेगा। उत्तरकाशी में कोरोना के नए वेरियंट को लेकर डीएम ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
कोरोना को लेकर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की लोगों को सलाह, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी, सभी को मास्क लगाने की सलाह दी। देश में पिछले 3 दिनों में विदेश से आए 18 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली में 4, बिहार में गया में 11 और कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 संक्रमित पाए गए। बिहार के गया में कोरोना के 11 विदेशी पर्यटक संक्रमित, इंग्लैंड, थाईलैंड और म्यांमार से आए हैं पर्यटक, प्रशासन ने कोरोना को लेकर जारी किया अलर्ट। चीन में कोविड केसेस में लगातार हो रही बढ़ोतरी, हर दिन करीब 1 लाख से ज्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं, शमशान घाटों के बाहर लगी लंबी कतार। कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, कहा अधिकारियों को लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट, आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड रहेगी जारी, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में आज से मदर डेयरी के दूध हुए महंगे, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया दाम, फुल क्रीम टोन सभी की कीमतें बढ़ी, काउ मिल्क और टोकन मिल्क की कीमतों में नहीं कोई बदलाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए दी बधाई, सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में शांति बहाली पर भी हुई बात। यूक्रेनी सेना ने बेलारूस बॉर्डर के पास की मिलिट्री ड्रिल, यूक्रेन नेशनल गार्ड्स के साथ सेना ने हवाई सैनिकों के हमले को रोकने के लिए प्रशिक्षण किया। यूक्रेन के बखमुत से यूक्रेनी सेना ने किया अटैक, डोनबास से रूसी सेना के ठिकानों पर किया हमला। यूक्रेनी सेना ने कार पर लगाया सर्वेलांस टावर, आर्टिलरी का पता लगाने के लिए मोबाइल सर्वेलांस टावर बनाया गया। रूस ने किया यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा, हमले में 3 की मौत, बॉम्बर एयरबेस के पास किया अटैक। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बढ़ाई गई सुरक्षा, महिलाओं की उच्च शिक्षा पर रोक के बाद अफगानिस्तान में प्रदर्शन जारी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 3 लोगों की हत्या के बाद बौखलाए कुर्दों और पुलिस में लगातार 2रे दिन हुई झड़प, उग्र प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। रूस की राजधानी मॉस्को में न्यू ईयर के स्वागत की उल्टी गिनती शुरू, न्यू ईयर के लिए तैयारियां जोरों पर। उत्तरी कोसोवो में पत्रकारों पर अटैक, पुलिस के मुताबिक पत्रकारों की गाड़ी पर पथराव किया गया और 2 लोगों की हुई है मौत। अमोनिया रिसाव के बाद सर्बियाई शहर में लगाई गई इमरजेंसी, लोगों के घरों में लोगों को रहने की सलाह दी। अमेरिका में बर्फबारी से अब तक 55 लोगों की हुई मौत, अकेले न्यूयॉर्क में 25 लोगों की मौत, बफेलो और न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा प्रभावित, बिजली गुल होने से लाखों लोग प्रभावित। न्यूयॉर्क के बफेलो में बर्फीले तूफान से हालात सबसे खराब, एरी काउंटी के कई इलाकों में 1 रात में हुई 30 से 40 इंच तक बर्फबारी। अमेरिका के सैनडियागो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोग, बर्फीले तूफान के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स डिले हुई या हुई कैंसल। कनाडा में भी भारी बर्फबारी जारी, कई इलाकों में -52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। जापान में भारी बर्फबारी की वजह से अब तक 17 लोगों की हुई मौत, 90 से ज्यादा लोग हुए घायल, हजारों घरों में बिजली है गुल। मैक्सिको सिटी में भी देखी गई बर्फबारी, स्थानीय प्रशासन ने कई इलाकों के लिए जारी किया ठंड का ऑरेंज अलर्ट। फिलीपींस में खतरनाक बाढ़ में 9 लोगों की मौत, 176 लोग लापता, बाढ़ की वजह से करीब 44,000 लोगों को छोड़ना पड़ा घर।